दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जियोपॉज प्लस के अंदर आए नए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, आज जियोपॉज प्लस के अंदर स्टोर विजिट का नया ऑप्शन ऐड हुआ है रिटेलर भाइयों का। इसके अंदर क्या काम रहेगा, ये किस तरीके से रिटेलर भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है और आप इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन वीडियो को एक लाइक कीजिएगा क्योंकि वीडियो से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन इसी तरीके के अपडेट को आपके लिए लाने को मिलता है। साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रिटेलर, लगभग 4000 रिटेलर भाई मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं सबसे पहले वहां पर भी उसका अपडेट देता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोर विजिट ऑप्शन की। तो सभी रिटेलर भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसे दो पर्पस के लिए जियोपॉज प्लस के अंदर ऐड किया गया है। जी हाँ, सबसे पहले होगा एक कस्टमर भाइयों के लिए, दूसरा होगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए। जी हाँ, स्टोर विजिट ऑप्शन के माध्यम से सभी रिटेलर भाई अपनी शॉप लोकेशन को मैप के अंदर लोकेट कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी लोकेशन को वहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे ही जो भी आपका नियर बाय कस्टमर होगा उसे किसी भी तरीके की जियो की तरफ से कोई नीड होगी, सिम एक्टिवेशन, MNP या किसी तरीके की भी, तो अपने माई जियो ऐप सेक्शन में जाकर नियर बाई रिटेलर को देख सकता है जहां पर आपका नाम शो होगा, आपकी दुकान वगैरह शो होगी। दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए। जी हां, जितने भी आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो जो आपके अंदर आपके पास पॉज प्लस आता है वो आपकी जो ऑटो रिफिल से रिलेटेड या किसी भी अन्य क्वेरी को यहां पर नोटिस कर सकता है और यहां पर दर्ज करा सकता है कि मैंने इस बंदे की शॉप को विजिट किया है। यहाँ पर सभी रिटेलर भाइयों को अपनी शॉप को जल्द से जल्द स्टोर विजिट के माध्यम से अपनी शॉप को रजिस्ट्रेशन कर देना है। अभी स्टोर विजिट ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इनिशियल स्टेज में है, इसकी स्टार्टिंग की जा रही है। जैसे ही ये काम करने लगेगा आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के बटन को दबा लीजिएगा। जैसे ही ये वर्क करेगा मैं आपको इसके बारे में पूरी प्रोसेस बनाकर वीडियो दे दूंगा। आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको तरफ से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर।